मई 2021 में बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का आप पर क्या असर पड़ेगा, यानी मई 2021 में सभी 12 राशियों का क्या राशिफल होगा, यह इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। मई 2021 में बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है जो हमें बहुत प्रभावित करेगा। इसमें से कुछ राशि परिवर्तन अनुकूल होंगे और कुछ प्रतिकूल रहेंगे। आइए देखते हैं कि कौन से ग्रह किन राशियों में रहने वाले हैं और उसी हिसाब से 12 राशियों का हमारा इस महीने का राशिफल क्या होगा। सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य 14 मई को मेष राशि से वृष राशि में चले जाएंगे। चंद्रमा तो हर महीने 12 राशियों के एक चक्कर लगा ही लेते हैं। मंगल पूरे मई के महीने में मिथुन राशि में ही रहेंगे। बुध 1 मई को वृष राशि में आ जाएंगे, जहां वह 26 मई तक रहेंगे और वहां 26 तारीख को वह मिथुन राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति तो कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं और पूरे महीने करते रहेंगे। शुक्र 4 मई को वृष राशि में चले जाएंगे, जहां वह 29 मई तक रहेंगे और 29 मई को बुध की मिथुन राशि में चले जाएंगे। शनि इस पूरे महीने अपनी ही मकर राशि में गोचर करेंगे। राहु अपनी उच्च राशि वृष में और केतु अपनी उच्च राशि वृश्चिक में ही गोचर करेंगे। इसके अलावा 4 बड़े ग्रहों के नक्षत्रों पर भी विचार करते हैं। बृहस्पति पूरे महीने धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे, शनि पूरे महीने श्रवण नक्षत्र में, राहु रोहिणी नक्षत्र में और केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो नक्षत्रों का भी असर यह 4 बड़े ग्रह देंगे। बाकी 5 ग्रहों के नक्षत्रों के बारे में इसलिए नहीं कहा क्योंकि यह शीघ्रगामी ग्रह हैं, यानी फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं जो जल्दी जल्दी राशि बदल लेते हैं, तो नक्षत्र और जल्दी बदलते हैं, तो इसलिए उनकी चर्चा करने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। अब यह देखते हैं कि इन सभी ग्रहों का हम पर क्या असर पड़ेगा। इस पर आगे विचार करने से पहले एक अपील मैं आप लोगों से ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए अभी स्थिति स्वास्थ्य के संबंध में हम देख रहे हैं, महामारी के कारण बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने भी अपने कुछ करीबी मित्रों को खोया है इस महामारी से, तो हमें सबको संभल कर और मिलकर इससे लड़ने की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए, जैसे बीमारी आई थी वैसे जाएगी ज़रूर, लेकिन इसके जाने से हमें कोई गहरा घाव न लग जाए इसके जाते तक, इस बात पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ रहने में मदद कीजिए, आइसोलेट रहिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें। तो अब देखते हैं कि 12 राशियों का हमारा मई महीने का राशिफल क्या होगा। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को पूरा महीना लगभग अनुकूल ही रहेगा। हाँ, कुछ मामलों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। देखिए मेष राशि के लिए सबसे बड़ा ग्रह योग क्या होने वाला इस महीने में, सूर्य बुध राहु और शुक्र मेष राशि के दूसरे भाव में इन 4 ग्रहों का योग बनने वाला है। दूसरा घर कुटुंब का होता है, धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है और टैक्स का भी होता है, यानी जनता का धन भी होता है दूसरे घर से हम देखते हैं। तो सूर्य और राहु का योग वहाँ पर कुछ समस्याएं सरकारी आपको दे सकता है, सावधान रहिए इस बात से। जो लोग भी सरकार से किसी तरह का काम करते हैं, जुड़ा हुआ काम करते हैं या सरकारी नौकरी में भी हैं, उन्हें अपने बॉस से सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी इस महीने। बुध भी आपके रोग स्थान के स्वामी हैं, जो आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव से हम टॉन्सिल का विचार करते हैं, गले का विचार करते हैं, गले का एरिया, गर्दन का एरिया, तो इस एरिया से जुड़े रोगों से आपको विशेष तौर पर सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी।
पैसे की कमी नहीं होगी क्योंकि बुध और शुक्र का अच्छा योग आपके दूसरे भाव में बन रहा है, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपके पुत्र भाव पे भी पड़ रही है, क्योंकि बृहस्पति अभी आपके 11वें स्थान से गोचर कर रहे हैं और वह तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, जहां आपकी राशि के स्वामी मंगल बैठे हुए हैं, यानी मंगल को गुरु का बल मिला हुआ है। ज्योतिष में कहा जाता है जो भी ग्रह गुरु के साथ बैठ जाए या गुरु के द्वारा देख लिया जाए उसे गुरु बल मिल जाता है। तो गुरु बल अभी आपको इस पूरे महीने मिलता रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या और संतान की सेहत से जुड़ी हुई कुछ समस्या आपको आएगी। हालांकि इन समस्याओं से आप निकल अवश्य जाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। शनि भी पूरे महीने 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं, काम धंधे में कुछ तकलीफ नहीं होगी, लेकिन कहीं ऐसा दिखता है कि अचानक की यात्रा आपको छोटी सी एक करनी पड़ जाएगी, उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहें। लेकिन मेष राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल से जो समय शुरू हुआ मई में भी वह समय अच्छा ही कंटिन्यू करेगा। वृष राशि वाले लोगों के लिए महीने का अंतिम 15 दिन अच्छा रिजल्ट देगा। महीने के शुरू के 14 दिनों में जब तक सूर्य आपके 12वें घर से गोचर कर रहे हैं, खर्चे बढ़े रहेंगे और पेरेंट्स की सेहत को लेकर पूरे महीने कुछ न कुछ आपको चिंता घेर कर रखेगी। महीने के अंतिम 16 दिनों में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु का चतुर्ग्रही योग आपके राशि के ऊपर बन रहा है। यह योग पैसे की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ समस्याएं आपको आएंगी, चाहे वह आपका अपना स्वास्थ्य हो या आपके पेरेंट्स का स्वास्थ्य हो। सर के आसपास का एरिया यानी स्कल का एरिया, उसमें आपको विशेष सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोगों को गर्दन की तकलीफ यानी स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर्स, इनसे जुड़ी हुई तकलीफ आ सकती है, लेकिन वृष राशि वाले लोगों के लिए स्थितियां कुछ पहले से सुधरती हुई दिख रही हैं। बृहस्पति का भी गोचर अभी आपके 10वें भाव से हो रहा है, जहां बृहस्पति कुछ स्थितियों को कंट्रोल करेगा आपको। शनि तो आपके फेवरेबल ग्रह हैं ही, जो भाग्य से गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि में वहां बैठे हुए हैं। तो वृष राशि वाले लोगों के लिए सेहत की कुछ समस्या दिख रही है, लेकिन धन आता हुआ दिख रहा है। मई के महीने में आधा महीना बीत जाने के बाद आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ अपने वर्क प्लेस से मिल सकती है। जो लोग किसी तरह की तरक्की की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं या किसी तरह का प्रमोशन का, उन्हें मई बीतते बीतते कुछ प्रमोशन मिल जाएगा। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी अच्छा समय आएगा। हाँ, दाम्पत्य जीवन में आपको कुछ कटुता का अनुभव इस महीने होगा। अंतिम पखवाड़े में यानी लास्ट फोर्टनाइट में आपको कुछ पारिवारिक समस्याएं परेशान करेंगी, इनसे आपको संभल कर रहने की ज़रूरत रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को इस पूरे महीने अपना स्वास्थ्य विशेष तौर पर संभाल कर रख के चलना पड़ेगा। देखिए, आपकी राशि के स्वामी राशि से 12वें व्यय स्थान बीमारी के स्थान में 1 मई को ही चले जाएंगे, जहां वह 26 मई तक रहेंगे। तो लगभग पूरा महीना आपको स्वास्थ्य को लेकर समस्या आएगी। राहु के साथ जा रहे हैं, राहु किसी तरह की वायरल बीमारी को भी दिखाता है 12वें घर में बैठकर, तो आपको यहां संभल कर रहना पड़ेगा। बृहस्पति का कोई सहयोग अभी आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव में तो ज़रूर हैं, लेकिन आपकी राशि के स्वामी पर उनकी कोई दृष्टि नहीं है। फिर भी यह कहूँगा कि कुछ बचाव होगा, क्योंकि बृहस्पति राशि को अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो समस्या आएगी, लेकिन आने के बाद, तकलीफ में जाने के बाद बचाव हो पाएगा। तो मिथुन राशि वाले लोगों को मैं यह कहूँगा कि पूरे महीने में स्वास्थ्य का तो विशेष तौर पर ध्यान रखना ही पड़ेगा। कुछ पैसे का खर्च भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो हेल्थ पर ही आपको खर्च होगा। अचानक घर से कहीं दूर भी जाने का संयोग बन सकता है। तो मिथुन राशि वालों को मेरी एक ही सलाह रहेगी, पूरे महीने स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य। बहुत सारे मिथुन राशि वाले लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम इस महीने आएगी। पैसे का खर्चा आपको तकलीफ देता रहेगा, पारिवारिक जीवन में भी तनाव
बढ़ जाएगा इस महीने में। हालांकि काम धंधे चलते रहेंगे, सूर्य की स्थिति अभी आपकी 14 मई तक बहुत ही फेवरेबल है, जो आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं और 11वें लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो महीने के शुरू के 14 दिन पैसे के लिहाज से संतोषजनक स्थिति रहेगी, लेकिन बाद में खर्च आपके बढ़ जाएंगे और खर्च कहाँ बढ़ेगा वह मैंने आपको इशारा कर दिया। तो सभी राशि वाले लोगों में मिथुन राशि को विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य को संभाल कर रखने की इस महीने आवश्यकता है। बाकी बातें हम बाद में भी आगे के महीनों में भी देख सकते हैं, संभाल सकते हैं, लेकिन पहले इस महीने सिर्फ और सिर्फ अपने हेल्थ पर ध्यान रखिए। कर्क राशि वाले लोगों को इस महीने पैसे कमाने के अच्छे अवसर सामने आएंगे। चार ग्रहों का योग आपकी राशि से 11वें स्थान में बनेगा, चतुर्ग्रही योग सूर्य शुक्र बुध और राहु का, जिसमें शुक्र अपनी राशि में ही रहेंगे और राहु अपनी उच्च राशि में। तो 11वें भाव में यानी लाभ भाव में अगर स्वराशि के और उच्च राशि के ग्रह किसी को मिल जाएं तो वह महीना या यूं कहें वह समय तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। शनि भी अभी देखें तो शश राजयोग बनाकर आपकी राशि से 7वें स्थान में बैठे हुए हैं। व्यापारियों के लिए अच्छा समय है, जो लोग भी व्यापार करते हैं, खास तौर पर जो लोग भी शनि से जुड़ा हुआ काम करते हैं। शनि से जुड़ा हुआ काम है पेट्रोल का, ऑयल का, दवाइयों का, किसी तरह का रॉ फूड का, ये सब काम शनि के डोमेन में आते हैं। इन लोगों की विशेष तरक्की होगी इस पूरे महीने। राहु आपको कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पैसे कमाने का अच्छा अवसर दे रहा है, यानी लाइजनिंग के कामों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए राहु तो शुक्र के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा योग दे रहा है। अभी इस महीने आप किसी के पास भी जाएंगे वह आपसे मुग्ध हो जाएगा, यानी आप अपनी स्माइल से, अपने प्रभाव से दूसरों पर विजय पाने में सफल रहेंगे। तो यहाँ पैसे को लेकर कोई समस्या नहीं है, काम को लेकर भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, आपकी राशि के स्वामी के 10वें भाव के जो स्वामी हैं, जो कर्म स्थान के मालिक हैं, वह 12वें स्थान में जा रहे हैं मंगल। तो मंगल का 12वें भाव में जाना यह दिखाता है कि जो लोग भी काम के सिलसिले में दूर देश की यात्रा करना चाहते हैं या दूर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, कहीं किसी तरह का ट्रांसफ़र भी दिखता है। संतान को लेकर कुछ समस्या आपको घेरे रहेगी और आप चिंतित रहेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए तो मई का महीना अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए पूरा मई का महीना अच्छा परिणाम लेकर आएगा। देखिए, अभी आपकी राशि के स्वामी सूर्य उच्च राशि मेष में चल रहे हैं 14 मई तक, यानी आपकी राशि से 9वें भाव में, भाग्य भाव में उच्च का सूर्य, आपकी राशि का स्वामी आपके भाग्य में जाकर उच्च का हो गया है, यानी उच्च का भाग्य मिलेगा। तो यह तो समय बहुत अच्छा है। जो लोग भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, सिंह राशि के लोग, या किसी तरह से सरकारी कामों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। प्रतिभा आपकी निखरेगी और लोग उसको पहचान भी लेंगे, यानी आपके प्रयासों से आपको पहचान मिलेगी, यह इस महीने की सबसे बड़ी बात होगी। तो शुरू के 14 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बाकी महीने के 14 मई से 30 मई भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। 10वें घर में हालांकि सूर्य और राहु का योग बन रहा है, जहां शुक्र और बुध भी इकट्ठा होंगे, तो ऐसा चतुर्ग्रही योग वो भी काम के क्षेत्र में आपको यह दिखाता है कि काम आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, सराहा जाएगा। हाँ, किसी तरह के वाद विवाद से आपको अपने बॉस से तो बचाव रखना चाहिए अपना, लेकिन ऐसा दिखता है कि आप इस पूरे महीने अपनी प्रतिभा के दम पर पहचाने जाएंगे। भाग्य के मालिक मंगल भी राशि से 11वें गोचर करेंगे, धन स्थान से, लाभ भाव से, मित्रों के भाव से, कॉन्टैक्ट्स के भाव से, तो इसका असर आपको अच्छा मिलेगा। बृहस्पति भी आपके 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां से वह अपनी 5वीं दृष्टि से भाग्य के स्वामी को देखेंगे। तो भाग्य के स्वामी को जब भी बृहस्पति देख लेते हैं, जो आपकी राशि के स्वामी के मित्र भी हैं, तो भाग्य को गुरु का बल मिल जाएगा। और शनि भी अच्छी पोजीशन में 6ठे घर से चल रहे हैं, तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए राशि के स्वामी सूर्य की बहुत अच्छी स्थिति पूरे महीने, और सारे मित्रों का सहयोग यानी
मंगल का सहयोग, बृहस्पति का सहयोग, यह सहयोग अच्छा मिलने वाला है जिससे आपको पूरा महीना अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, किसी तरह के वाद विवाद से थोड़ा सा बचना पड़ेगा वर्क प्लेस पे, और पेरेंट्स की सेहत को लेकर यानी माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता की ज़रूरत है। इस महीने आपको इस फ्रंट पर चिंता बढ़ेगी, तो बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन बृहस्पति फिर भी बचाव करते रहेंगे, तो कुल मिलाकर महीना फिर भी अच्छा ही बीतेगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए मई का महीना मिक्स्ड बैग होगा, यानी मिश्रित फल मिलेंगे आप लोगों को इस महीने। कुछ फल अच्छे होंगे और कुछ फल आपको तकलीफ देकर जाएंगे। देखिए, अच्छी बात तो यह है कि अभी आपकी राशि के स्वामी बुध राशि से आठवें स्थान में चल रहे थे। अब आठवें स्थान में जब राशि के स्वामी चलेंगे तो आपको बहुत तकलीफ हुई होगी ज़रूर, लेकिन 1 मई को बुध जो राशि के स्वामी हैं वह भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो भाग्य से सहयोग मिलने लगेगा, और वहाँ भी वह अपने मित्र राहु के साथ हैं जो उच्च के हैं, तो स्थिति फिर आपकी 1 मई से राशि स्वामी संभालना शुरू कर देंगे। देखिए, सारे ग्रह एक तरफ और आपकी राशि के स्वामी एक तरफ। अगर आपकी राशि के स्वामी ही मजबूत नहीं है तो सभी बाकी ग्रह मिलकर भी आपका बहुत लाभ या आपको संभाल नहीं सकते हैं। तो राशि बल सबसे बड़ा, गुरु बल उसके बाद, चंद्रमा का बल उसके बाद, और सूर्य का बल उसके बाद। इन 4 बलों का विचार हमेशा कुंडली देखने में ज़रूर करना चाहिए, चाहे वह जन्म कुंडली हो या गोचर कुंडली हो। तो यहाँ राशि का बल आपको मिल जाएगा। सूर्य 14 मई तक आपकी राशि से 8वें ही गोचर करेंगे। जो लोग भी मेडिकल प्रोफेशन में हैं या लीगल प्रोफेशन में हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। सूर्य का नवा गोचर राहु के साथ कुछ हद तक चिंताएं क्रिएट करेगा, लेकिन सूर्य बुध के साथ मिलकर मित्र को भी बल देंगे, तो यहाँ बुधादित्य योग भी बनेगा, राहु और बुध का योग भी बनेगा जो बुद्धि को बहुत तीक्ष्ण बनाता है, यानी युक्ति वाली बुद्धि बनाता है। तो जुगाड़ जो आप अचानक से बुद्धि से अपने निर्णय लेते हैं उन मामलों से आपको सहयोग मिलेगा, यानी आप किसी न किसी तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कठिन परिस्थितियों से भी निकल जाएंगे। मंगल पूरे महीने आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और मंगल आपकी राशि के स्वामी बुध के शत्रु हैं, क्योंकि आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं जो कुंडली का सबसे बुरा भाव होता है। तो पूरे महीने वर्क प्लेस पर चैलेंजेस तो आएंगे, काम में आपको नई समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन राशि का स्वामी उन समस्याओं से आपको बचाता भी रहेगा। इसीलिए मैंने कहा पूरा महीना मिक्स्ड बैग रहेगा। 14 मई से 4 ग्रहों का योग आपकी राशि से जो नवा होगा वह कुछ अच्छे भी रिजल्ट लेकर आएगा और कुछ बुरे भी, लेकिन फिर भी राशि स्वामी का बल आपको पूरे महीने नैया पार लगाता रहेगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए मई का महीना एक स्टैंड आउट मंथ होगा। स्टैंड आउट मंथ मैंने क्यों बोला, यानी पूरे साल में यह एक ऐसा महीना है जो आपको अगले साल भी याद आएगा, इसीलिए स्टैंड आउट मंथ मैंने बोला। देखिए, आपकी राशि का स्वामी शुक्र अपनी ही राशि में जा रहा है, यानी वृष राशि में। अच्छी बात है, राशि का स्वामी अगर अपनी दूसरी राशि में चला जाए तो राशि को बल मिल जाता है, लेकिन वह राशि आपकी भाव से यानी आपकी राशि से 8वें भाव की राशि है। हालांकि 8वां भाव अच्छा भाव तो नहीं होता है, लेकिन ज्योतिष का नियम है कि लग्नेश को यानी राशि के स्वामी को कभी भी अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, यानी 8वें भाव का मालिक होने का और 8वें भाव में बैठने का भी दोष नहीं लगता, चूँकि वहाँ उसकी अपनी ही राशि होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी दोष नहीं लगेगा, सेहत की समस्या तो आएगी। शुक्र राहु के साथ है तो शुक्र जीवन साथी होता है, राहु चोर है, जीवन साथी के मामलों में चोरी होगी। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जीवन साथी को लेकर आपके मन में दुविधा और चिंता आ सकती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, स्वास्थ्य और कुछ और कारण भी हो सकते हैं, तो सतर्कता की ज़रूरत रहेगी पारिवारिक संबंधों को लेकर। धन के लिए अगर आप देखेंगे तो आपकी राशि से जो भाग्य भाव के स्वामी हैं वह भी 8वें भाव में आ जाएंगे, यानी बुध 8वें भाव से गोचर करेंगे। अब भाग्य में
कि स्वामी का अष्टम भाव में गोचर करना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, आठवां तो कुआं है, लेकिन वहां वह राशि के स्वामी के साथ हैं और चार ग्रह बुध शुक्र सूर्य और राहु वहां इकट्ठे हो जाएंगे, तो यह दिखाता है कि 14 मई के बाद जब सूर्य भी आ जाएंगे तब ऐसा दिखता है कि जो लोग भी मेडिकल फील्ड में हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, शेयर मार्केट में, उनके लिए तो समझो चांदी लग गई, उनकी लॉटरी लग गई, वह लोग बहुत ज़्यादा पैसा इस महीने कमा सकते हैं। या जो लोग भी कुछ भी अनकन्वेंशनल काम करते हैं, जैसे ज्योतिष का काम हो गया, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं वो लोग जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन जो लोग कुछ रेगुलर फील्ड्स में काम करते हैं उनके लिए फिर तकलीफ की बात आ जाएगी, क्योंकि यहाँ समय कुछ उनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है और कुछ लोगों के लिए समय बुरा रहेगा इस महीने, तो तुला राशि वाले लोगों को संभल कर ही चलने की ज़रूरत रहेगी। हाँ, बृहस्पति और शनि मिला जुला कर स्थितियों को संभालते रहेंगे, तो राशि स्वामी का बल आपको है और राशि के सबसे बड़े मित्र शनि का भी बल आपको इस महीने है, तो चिंता की कुछ विशेष बात तो नहीं है। हाँ, खर्चे बढ़े रहेंगे इस महीने, आपको ज़्यादा पैसे खर्च होंगे इस महीने ज़रूर, यह कुछ चिंता आपको बढ़ाएगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को इस पूरे महीने मानसिक उद्विग्नता रहेगी, यानी दिमाग में बहुत उलझन पूरे महीने चलती रहेगी। राशि के स्वामी आठवें भाव से पूरे महीने गोचर करते रहेंगे, कुछ न कुछ चिंता उलझन आपको पूरे महीने बांध कर रखेगी और कुछ भी प्रयास कर लें इस महीने आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको पकड़ के रखा हुआ है। परेशानियां बहुत सारी इस महीने सामने आएंगी और उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप फ्री नहीं फील करेंगे अपने आप को, यानी कुछ भी करने जाएंगे उसमें आपको बहुत विरोध और उलझन की स्थिति आती रहेगी। व्यापार करने वाले लोगों के लिए तो फिर भी कुछ हद तक स्थिति ठीक है, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीने बहुत उलझन के ही बीतेंगे और जीवन साथी से लेकर भी मनमुटाव आपको इस महीने रहेगा या उनकी सेहत को लेकर बड़ी चिंता आपको इस महीने देखनी पड़ेगी। राहु और केतु की जो स्थिति है वह आपकी राशि के ऊपर से केतु चल रहे हैं और राहु सातवें भाव से, जीवन साथी के भाव से गोचर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर सूर्य का भी आ जाना 14 मई को यह दिखाता है कि वहाँ उलझने बढ़ जाएंगी। हालांकि शुक्र और बुध आएंगे, कुछ हद तक पेसिफाई करने की कोशिश रहेगी, लेकिन सूर्य और राहु का एक साथ आपके जीवन साथी के भाव और व्यापार भाव पर आ जाना यह दिखाता है कि आप अपनी एरोगेंस के कारण भी हो सकता है, यह भी कहा जा सकता है कि आप अपने ही स्वभाव के कारण अपने संबंधों में खटास घोल देंगे, तो आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और वैसे भी देखिए तो मंगल आठवें भाव से गोचर कर रहे हैं, यह स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल की सातवीं दृष्टि आपके वाणी भाव के ऊपर जा रही है, तो वाणी से आपको संभल कर रहने की ज़रूरत रहेगी, अपने ही कारण आप अपने संबंधों में खटास ले आएंगे। बृहस्पति स्थितियों को संभालने का प्रयास पूरे महीने करते रहेंगे, अगर बृहस्पति नहीं होते तो शायद यह महीना आपके लिए बहुत बुरा जाता, लेकिन बृहस्पति उसमें से कुछ हद तक नेगेटिविटी को कंट्रोल करेंगे, लेकिन नेगेटिविटी पूरी तरह से जाती हुई नहीं दिख रही है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस महीने में पैसे की तकलीफ भी आएगी, काम के लेवल पे आपको परेशानी होगी। हाँ, व्यापार में कुछ हद तक व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं उनका काम फिर भी चल जाएगा, नौकरी पेशा वाले लोगों को तो नौकरी के स्थल पर एकदम शांति से अपना महीना बिताना पड़ेगा, किसी तरह के प्रमोशन की कुछ खास उम्मीद नहीं रखिए, जो भय उसको बचाकर चलने की ही ज़रूरत रहेगी। तो महीना कुछ चिंताएं ला रहा है ज़रूर और आपको इस पूरे महीने धैर्य और सूझबूझ से ही समय बिताना पड़ेगा। धनु राशि वाले लोगों के लिए यह महीना कार्यस्थल पर चुनौतियां लेकर आ रहा है, आपके कर्म स्थान के स्वामी बुध राशि से छठे शत्रु भाव से गोचर कर रहे हैं और राहु भी बैठे हुए हैं, शनि भी आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, अचानक
किसी तरह की भीतर घात से आपको नुकसान होने की संभावना है, यानी सबोटाज। तो किसी तरह के ऐसे षड्यंत्रों से आँख खोल कर रखिए जो आपके खिलाफ आपकी पीठ के पीछे किया जाएगा। सावधान रहिए, अपने मित्रों से ही सावधान रहने की इस पूरे महीने ज़रूरत पड़ेगी। जब भी शुक्र बुध और राहु का योग होता है छठे भाव में, तो आपको शत्रु नहीं आपके मित्र ही धोखा देते हैं। तो मित्रों से धोखा मिलेगा, अपनी बातें किसी से भी शेयर मत कीजिएगा इस पूरे महीने। चाहे आपका कितना भी नज़दीकी मित्र ही क्यों नहीं हो, अपनी किसी भी बात को साझा करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लग्न का या राशि का स्वामी बृहस्पति भी राशि से तीसरे गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव किसी तरह की बीमारी की शुरुआत का भी भाव कहा जाता है, और छठे बीमारी के घर में बहुत सारे शुभ ग्रहों का होना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि सूर्य का गोचर वहाँ 14 मई को हो जाएगा। सूर्य और राहु एक साथ मिलकर कुछ हद तक आपको शत्रुओं से राहत दिलाएंगे और सेहत में भी कुछ राहत दिलाएंगे, लेकिन पूरा महीना आपको सेहत की समस्याओं से जूझने को कह रहा है। बृहस्पति कुछ हद तक फिर भी तीसरे भाव में जाकर, अभी तो नीच राशि से निकल गए तो कुछ स्थितियां कंट्रोल करेंगे, लेकिन आपकी शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 के समय में छोटी समस्याएं भी हमें बहुत बड़ी दिखने लगती हैं। तो अपने थॉट प्रोसेस पर भी कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि 7.5 यानी शनि आपके सर पर बैठकर छोटी समस्या को भी बहुत ज़्यादा बड़ा बनाकर दिखाता है, और आप मेंटल टेंशन के कारण गलत निर्णय या मानसिक उद्विग्नता में रहते हैं। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखने की ज़रूरत है। आधा महीना, जो अंतिम आधा महीना होगा मई का, उसमें स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन शुरू के 14-15 दिन आपके लिए चैलेंजेस के ही दिन हैं। मकर राशि वाले लोगों को इस महीने शनि की 7.5 के बुरे प्रभावों से थोड़ी हद तक राहत ज़रूर मिलेगी, और राहत दिलवा रहे हैं मंगल। मंगल आपकी राशि से छठे चलेंगे और वहाँ से अपनी 8वीं दृष्टि से शनि को देखकर कुछ हद तक शनि पर लगाम लगाएंगे। हालांकि मंगल और शनि का एक दूसरे को देखना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन एक दूसरे को देखना, अगर मंगल खाली शनि को देखें और शनि मंगल को ना देखें तो मंगल शनि को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही अगर राहु मंगल को नहीं देखें और मंगल राहु को देखें तो मंगल राहु को भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ शनि की 7.5 से पूरे महीने आपको मंगल, चूँकि आपकी राशि से छठे शत्रु भाव से गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि से शत्रु भाव से मंगल का गोचर करना शत्रुओं से राहत दिलाता है, रोग से भी राहत दिलाता है। तो 7.5 के बुरे प्रभावों में सबसे बुरे प्रभाव होते हैं भीतर घात से, यानी शत्रु से भय और सेहत का नुकसान, यह 7.5 का सबसे बुरे प्रभाव में आता है। क्योंकि शनि का काम क्या है, दुख देना, और दुख तो तभी आएगा जब आप परेशान होंगे। तो यहाँ मंगल आपको इस पूरे महीने इस बात से बचाव करता रहेगा। बृहस्पति भी अभी आपके दूसरे धन भाव से गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति भी धन की समस्याओं से आपको निजात दिलाकर रखेंगे। हाँ, सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य महीने के पहले 14 दिन आपकी राशि से चौथे भाव से गोचर करेंगे और अंतिम 16 दिन राशि से पांचवें भाव से, और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं आपके। मकर राशि शनि की राशि है, उसके सबसे प्रबल शत्रु सूर्य। तो सूर्य का आपके दो सेंसिटिव भावों से गोचर करना, यानी चौथा भाव मन का भाव और माँ का भाव, पांचवा भाव संतान का भाव। तो माता और संतान को लेकर आपको पूरे महीने मन विचलित रहेगा किसी न किसी वजह से। तो यहाँ यह एक बुरा प्रभाव है, और इसमें आपकी बृहस्पति भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की कोई दृष्टि सूर्य पर नहीं है और किसी भी शुभ ग्रह का सूर्य को साथ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ आपको महीने के शुरू के 14 दिन तो ज़रूर तकलीफ होगी। हाँ, उसके बाद शुक्र और राहु भी और बुध भी वहाँ मिल जाएंगे सूर्य के साथ, तब कुछ हद तक स्थितियाँ कंट्रोल रहेंगी, लेकिन फिर भी आपको पूरे महीने माँ की सेहत और अपने बच्चों की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। लेकिन पैसे के मामले में
साढ़े साथी के बुरे प्रभावों से आपको इस महीने छुटकारा मिला रहेगा। कुंभ राशि वाले लोगों को इस महीने उनकी राशि से दो जो उनके परम मित्र हैं यानी बुध और शुक्र, वह इस महीने बचाकर रखेंगे और कुछ लाभ भी देंगे। देखिए, कुंभ राशि के लिए बुध उनके पांचवें भाव के मालिक बनते हैं और बुध शनि के मित्र हैं जो आपकी राशि के स्वामी हैं। वहीं शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं। तुला राशि आपके भाग्य भाव की राशि है, तो भाग्य के स्वामी का यानी नवें भाव के स्वामी का और बुद्धि के स्वामी का यानी पांचवें भाव के स्वामी का योग आपके चौथे भाव में हो रहा है। चौथा भाव यानी मन और बुद्धि का, तो बुध और शुक्र के योग को लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। तो लक्ष्मी और नारायण का योग आपके चौथे भाव यानी बुद्धि के भाव में हो रहा है, हृदय भाव में हो रहा है। यहाँ यह दिखता है कि यह दोनों शुभ ग्रह आपकी राशि से आपकी दसवें भाव यानी कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ काम में आपको अचानक कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। हालांकि आपकी साढ़े साथी चल रही है, लेकिन इस महीने यह इतना अच्छा योग है कि आपको साढ़े साथी के बुरे प्रभावों में कमी महसूस होगी। यानी काम पर आपको ध्यान भी रहेगा, काम करने की इच्छा भी रहेगी और काम में तरक्की भी होगी। हाँ, सूर्य भी जब वहाँ आ जाएंगे आपकी राशि से चौथे, तो मन में कुछ चिंता तो ज़रूर लगी रहेगी। आपको अपने बॉस से रिश्ते संभाल कर रखने पड़ेंगे महीने के अंतिम 15 दिनों में, लेकिन यह आप ज़रूर कर लेंगे अपनी बुद्धि के दम पर। तो यह दिखता है कि कुछ तो मानसिक चिंता रहेगी आपको महीने के अंतिम 15 दिनों में, लेकिन अपनी सूझबूझ और बुद्धि से आप अपनी सारी समस्याओं से इस महीने निकलते रहेंगे। मित्रों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा और राशि के ऊपर से जो गुरु हैं उनका चलना भी आपको मन में धैर्य और बल देता रहेगा। राशि के स्वामी तो राशि से 12 में चल रहे हैं यानी शनि मकर राशि में चल रहे हैं। यह बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन बाकी ग्रहों की स्थिति आपकी अनुकूल दिख रही है, तो महीना आपका अच्छा जाएगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए एक नई शुरुआत का समय आ चुका है। इस महीने जो लोग भी नया कुछ स्टार्टअप का काम करना चाहते हैं 14 मई के बाद कर सकते हैं। समय बहुत ही अनुकूल है। देखिए, आपकी राशि से तीसरे भाव में चार ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, बुध शुक्र और राहु तो वहाँ रहेंगे ही महीने की शुरुआत से ही, यानी बुध 1 मई को आ जाएंगे, शुक्र 4 मई को और सूर्य भी वहाँ 14 मई को आ जाएंगे। तो सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अग्नि ही किसी चीज़ को शुरू करती है। देखिए, फायर द इंजन बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ में फायर की शुरुआत, यानी जिस भी चीज़ में गति चाहिए, किसी चीज़ को शुरू करना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वह एनर्जी सूर्य और मंगल देते हैं। तो इसीलिए किसी भी स्टार्टअप में किसी भी नए काम को करने के लिए हमें हमेशा सूर्य का बल देखना चाहिए और मंगल का भी, क्योंकि यह अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो नई शुरुआत करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। हाँ, राशि के स्वामी आपके ज़रूर आपकी राशि से 12वें चल रहे हैं तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई नई शुरुआत करना चाहता है, नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो भाई इन्वेस्टमेंट तो शुरू में करनी ही पड़ती है। तो नई इन्वेस्टमेंट यानी अपने पास का पैसा खर्च करेंगे, कोई नई चीज़ शुरू करेंगे तो वह अच्छे रिटर्न आपको बाद में देगा। तो यह उन लोगों के लिए यह महीना बहुत खास है जो कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बाकी लोगों के लिए, बहुत सारे लोग ट्रैवल का महीना दिखता है, महीने के अंत में जाके कहीं ना कहीं जाने के योग दिखते हैं। नौकरी में ट्रांसफ़र के भी योग हो सकते हैं या कहीं छोटी मोटी दूरी की यात्राएं भी आप कर सकते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से जिनका कोई व्यापार जुड़ा हुआ है, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। तो मीन राशि वाले लोगों के लिए यह महीने कोई नई शुरुआत और कुछ नए इरादों के साथ कुछ नया कर गुजरने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस 12 राशियों के बारे में मैंने बताया। किसी भी राशि वाले को अगर कोई भी समस्या आती है तो उसे अपने इष्ट देवता का या अपनी राशि के स्वामी का मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।